हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आयुर्वेदन मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको प्याज के बारे में बताऊंगा। प्याज के अंदर दोस्तों बहुत सारे गुण होते हैं और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों आपको प्याज के गुणों के बारे में, प्याज के आप कौन कौन से फायदे होते हैं, किन किन रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस सभी चीज़ की जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर से जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्याज के बारे में, प्याज के कौन कौन से फायदे होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को और जानना स्टार्ट करते हैं इसके फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा होता है कान के अंदर दर्द या फिर नज़ले की अगर जिसको प्रॉब्लम रहती है उसमें प्याज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों, जिनको कान का दर्द रहता है, नज़ला रहता है, उस कंडीशन में कच्चे प्याज को गुनगुना करके उसका रस निकाल लें और चार चार बूंद कान या नाक के अंदर डालने से आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज से पहले मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस उपाय के बारे में आपने आज से पहले किसी वीडियो में नहीं सुना होगा, ना आपने इस वीडियो के बारे में दोस्तों कभी आपने जाना भी होगा। कान के दर्द या नज़ले की प्रॉब्लम जिनको होती है, कच्चे प्याज को गुनगुना करके उसका रस निकाल के चार चार बूंद कान या नाक के अंदर डालने से आपको तुरंत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा होता है लू या गर्मी के प्रकोप की वजह से। दोस्तों, जिनको लू की गर्मी लग जाती है, इस कंडीशन में प्याज किस प्रकार फायदेमंद रहता है। दोस्तों, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर लू का प्रकोप होता है और यदि धूप में जाना हो या घूमना हो तो आपको एक प्याज को जेब के अंदर रख लें या गले के अंदर बांध कर रखने से भी दोस्तों लू का भय नहीं रहता है। दोस्तों, एक तरह से बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है प्याज का, जिसका फ़ायदा आप कैसे भी उठा सकते हो। गर्मियों की कंडीशन में आप प्याज को एक अपने जेब के अंदर रख लें या फिर गले में लटका लें, या फिर दोस्तों आप प्याज का सेवन करके भी अगर आप मतलब घूमने के लिए जाते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, गर्मी से आपका बचाव हो जाता है। दोस्तों, इसका जो तीसरा फायदा रहता है वो बच्चों के लिए रहता है। बच्चों को बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए प्याज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। एक पोटली के अंदर 8 से 10 प्याज बांधकर घर के बाहर टांगने से हवा के अंदर फैलने वाले अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस से बच्चों को बचाने में सहयोग मिलता है। दोस्तों, एक चमत्कारी उपाय है जिसका सेवन आपको या फिर जिसका इस्तेमाल आपको रोजाना करना चाहिए। और दोस्तों, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जिस घर के अंदर छोटे बच्चे रहते हैं, अगर उन्हें बैक्टीरिया और वायरस से बचाना है तो प्याज का सेवन करवाएं और एक पोटली के अंदर 8 से 10 प्याज बांधकर घर के अंदर बाहर टांगकर भी आपको हवा से भी दोस्तों इन बैक्टीरिया को भी और वायरस से भी बचाया जा सकता है। दोस्तों, जिनको छोटी माता या बड़ी माता की प्रॉब्लम रहती है, या फिर दोस्तों जिसको छोटी माता या बड़ी माता का रोग हो जाए, उसमें प्याज किस प्रकार फायदेमंद है, चलिए दोस्तों जानते हैं इस सब चीज़ को। फ्रेंड्स, जिनको छोटी माता या बड़ी माता का रोग हो जाता है, उनके लिए एक एक चम्मच प्याज के रस में 2 से 3 काली मिर्च को पीसकर कुछ दिनों तक दिन के अंदर 2 से 3 बार पिलाने से भी ठीक हो जाता है। बाद में दोस्तों उसके निशान में नहीं रहते हैं। दोस्तों, एक आयुर्वेदिक उपाय है जिसको आपको ज़रूरी अपनाना चाहिए। छोटी माता या बड़ी माता की कंडीशन में या फिर ऐसे रोग में एक एक चम्मच प्याज के रस में 2 से 3 काली मिर्च को पीसकर 2 से 3 दिन तक या 2 से 3 बार पिलाने से वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, फोड़े फुंसी के रोग में या फोड़े फुंसी की कंडीशन में भी प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे प्याज को गर्म करके फोड़े आदि पर बांधने से तुरंत पीड़ा में शमन होता है, यानी कि दोस्तों पीड़ा होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। फोड़ा पक गया है और उसके अंदर मवाद निकलती है तो उसमें भी दोस्तों आराम मिलता है। दोस्तों, इसका हम अगला फायदा जानते हैं, वो है पेट दर्द की कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। दोस्तों, जो प्याज होती है, पेट में दर्द होने पर पानी के अंदर प्याज का रस मिला लें, नींबू का रस मिला लें और थोड़ा सा नमक मिला लें और जिस रोगी के पेट में दर्द है उसे पिला दें, उसे दोस्तों जल्दी ही राहत मिलेगी। दोस्तों, ये थे आज के प्याज के फायदे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर हमको फॉलो करें और उसके बाद दोस्तों आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों, अपने सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।